आज हम कोडिंग डिकोडिंग का बात करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में जो न्यू पैटर्न आता है बैंक में, एसएससी में जो न्यू पैटर्न के साथ आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग, इसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उससे पहले कोडिंग डिकोडिंग में क्या हमारा अप्रोच रहेगा, किस टाइप का आता है, तो किस टाइप से कम समय में आप बनाइएगा, ये सब जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहे। उससे पहले हमारे डिजिटल्स क्लास में आप सभी को वेलकम करता है, यानी कि आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत करता है डिजिटल्स क्लास। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं न्यू पैटर्न ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। न्यू पैटर्न ऑफ कोडिंग डिकोडिंग में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसी से रिलेटेड कुछ आपके पास क्वेश्चन जा रहा है। तो देखिए स्क्रीन पर आपके पास क्या है क्वेश्चन, न्यू पैटर्न ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का नया पैटर्न का क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले है OPQD, लिखा हुआ 3663। दूसरा जो दिया गया है DRAM, ड्रीम को कहा जा रहा 4994। फिर नेक्स्ट दिया जा रहा IKJU 5151। MNPI को 1212। नेक्स्ट कहा जा रहा XJER कहा जा रहा है। तो फिर आपके पास जो है इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा इसमें कि ARME के लिए कोड बनाया जा रहा है 5151। फिर आपके लिए यहाँ पर दो क्वेश्चन रखा हुआ, पहला मून के लिए आपको कोड बताना है, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है IBQ। तो इन दोनों को कैसे हम सॉल्व करते हैं इसके विषय में जानेंगे, तो इस वीडियो के साथ जरूर बने रहे। और अंतिम को देखें कि आजकल जो न्यू पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कोडिंग डिकोडिंग में किस टाइप का आया जा रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए OPQD। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ी देर के लिए नंबर समझते हैं कि ओ का जो नंबर होता है उस नंबर के हिसाब से अगर हम आइडिया लगाते हैं, तो उस नंबर के हिसाब से नहीं है, ठीक है। एक होता है कि दोनों में मिला हुआ, तो दोनों में मिलने वाला जो खोजते हैं, यानी कि जैसे 3636 लिखा हुआ यहाँ पर, फिर कहीं पर 3636 है कहीं नहीं, ठीक है। ऐसा खोजते हैं कि जो दोनों जगह यहाँ, यानी कि 51 यहाँ भी 51, तो यहाँ भी आपका 51 है, 51 यहाँ पर भी, तो इधर मिला के देखे तो इधर जो है किसी प्रकार का कोई लेटर भी नहीं मिल रहा, यानी कि हमारा जो अप्रोच जो है गलत अप्रोच है, जो हम लोग सोच रहे हैं गलत तरीका से सोच रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के हिसाब से लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर ओ जो है एक वोवेल्स है, ठीक है, बट डी हमारा कॉन्सोनेंट है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को देखिएगा कि जैसे कि 5151 जो एक जैसा कहाँ पर है, तो यहाँ पर 5151 एक जैसा है, एक इस लाइन में है 51 और एक इस लाइन में 51। अब इसका लेटर में आते तो यहाँ देखते हैं पहला में आपका वोवेल्स है और अंतिम में भी वोवेल्स है, यहाँ भी वोवेल्स है, यहाँ भी वोवेल्स है, यानी कि इन दोनों का अप्रोच हमारा निकलेगा। इन दोनों का अप्रोच हम कह सकते हैं कि यदि फर्स्ट लेटर वोवेल्स हो, यदि फर्स्ट लेटर अगर हम कहते हैं कि पहला अगर, ठीक है, फर्स्ट लेटर वोवेल्स हो और प्लस लास्ट लेटर भी वोवेल्स हो, यानी अंतिम लास्ट लेटर जो वोवेल्स हो, लास्ट लेटर क्या हो, वोवेल्स हो। अगर फर्स्ट लेटर वोवेल्स हो और लास्ट लेटर अगर वोवेल्स हो तो उसका कोड बनेगा 5151। अब दूसरा देखते हैं कि यहाँ पर एक 4994 है, तो यहाँ भी एक 4994 है, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डी है, यहाँ एम है, यानी कि दोनों जो है क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ भी हम देखें कि यहाँ पर एक्स और यहाँ आर है, मतलब इन दोनों का अप्रोच हमारा निकल गया कि दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट, लास्ट फर्स्ट प्लस लास्ट क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट लेटर में कॉन्सोनेंट है। यदि फर्स्ट प्लस लास्ट कॉन्सोनेंट रहा तो आपका जो है इसका कोड बनेगा 4994। नेक्स्ट जो दिया गया है यहाँ पर देखिए 3663 दिया गया और यहाँ पर 1212 दिया गया, मतलब दो ही आपके पास बचा हुआ, तो इसका अप्रोच देख लेते इसमें क्या लगा हुआ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह एक वोवेल्स है और यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वोवेल, फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट, फर्स्ट जो है आपका वोवेल्स, ठीक है, फर्स्ट अगर वोवेल्स हो और प्लस
लास्ट कॉन्सोनेंट हो, जो लास्ट जो लेटर है लास्ट कैसा है, कॉन्सोनेंट हो, लास्ट अगर कॉन्सोनेंट हो तो इसका जो कोड बनेगा, इसका कोड बना क्या आएगा, 3663। यहाँ पर एक अप्रोच देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक अप्रोच देख लेते हैं। यहाँ अप्रोच है MNPI, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर में वॉवेल से, बट फर्स्ट लेटर में क्या कॉन्सोनेंट है, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं जो फर्स्ट हमारा लेटर है, ठीक है ध्यान से देखिएगा, जो फर्स्ट हमारा लेटर है क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, और प्लस जो अंतिम लेटर जो हमारा दिया गया है, अंतिम लेटर क्या है, एक वॉवेल से, लास्ट लास्ट लेटर क्या है, लास्ट लेटर एक वॉवेल से, ठीक है लास्ट लेटर वॉवेल से। अब यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आता है इसके बारे में समझते। सबसे पहले अगर फर्स्ट वॉवेल्स हो आप प्लस लास्ट वॉवेल्स, तो इसका कोड जो बना, इसका कोड जो बन के आएगा 3663। ध्यान रखिएगा पहला अप्रोच मेरा यही रहा कि यदि यदि फर्स्ट लेटर वॉवेल्स हो और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो इसका जो कोड बनेगा 3663, यानी कि पहला अप्रोच हमारा यह रहा, पहला अप्रोच हमारा यह बना। दूसरा अप्रोच क्या है कि जब हम फर्स्ट लेटर प्लस लास्ट लेटर को कॉन्सोनेंट है, यानी पहला लेटर और अंतिम लेटर, यानी कि पहला लेटर और अंतिम लेटर जब कॉन्सोनेंट होता है तो इसका कोड बनता है 4994, 4994, यानी कि ये दूसरा मेरा अप्रोच है। तीसरा अप्रोच क्या है, जब फर्स्ट लेटर प्लस फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट और लास्ट लेटर वॉवेल्स हो, जब फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट और लास्ट लेटर वॉवेल्स हो, तो यहाँ पर देख ले फर्स्ट 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 कॉन्सोनेंट है और लास्ट क्या है, एक वॉवेल से, तो इसका जो कोड बनेगा 1212, यानी कि यह हमारा तीसरा अप्रोच है। चौथा क्या जाते हैं, चौथा में देखते हैं कि यदि फर्स्ट लेटर वॉवेल्स हो, फर्स्ट लेटर क्या हो वॉवेल्स, अगर पहला लेटर अगर हम लोग के पास वॉवेल्स हो और अंतिम लेटर क्या हो, अंतिम लेटर भी वॉवेल्स हो, यदि पहला लेटर वॉवेल्स और अंतिम में वॉवेल्स हो तो इसका कोड बनेगा 5151, 5151। यह मेरा कैसा चौथा अप्रोच रहा। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि इसके जो है इससे कैसे हम लोग कोडिंग को कैसे करेंगे, यानी मून के लिए क्या कोड बनाएंगे, तो मून के लिए क्या कोड बनाएगा, तो देखिए यहाँ पर पहला लेटर और अंतिम लेटर देखिए, ये दोनों लेटर कैसा है, दोनों लेटर हमारा कॉन्सोनेंट, तो दोनों लेटर कॉन्सोनेंट होने के कारण जो है, अब यहाँ पर देखिए कि दोनों का लेटर का कॉन्सोनेंट होता है तब क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट लास्ट लेटर वॉवेल्स, ये नहीं होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट देखिएगा, फर्स्ट लेटर प्लस लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा तो इसका कोड बनाएगा 4994, यानी कि इसका जो है सही आंसर होगा 4994, 4994 इसका सही आंसर होगा 4994। अब दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर देते, तो पहला लेटर वॉवेल्स से और अंतिम लेटर भी वॉवेल्स से, पहला लेटर वॉवेल्स और अंतिम भी लेटर वॉवेल्स के लिए कैसा है, फर्स्ट लेटर वॉवेल्स और लास्ट लेटर भी वॉवेल्स से, जब फर्स्ट लेटर वॉवेल्स है और लास्ट लेटर जब वॉवेल्स रहेगा तो इसका कोड बन के आएगा 5151, यानी कि इसका सही आंसर, इसका जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 5151। आई होप आप देख लिए कि यहाँ पर जो है मेन अप्रोच हमारा जो था, मेन अप्रोच था हमारा इसमें क्वेश्चन में फर्स्ट वॉवेल्स प्लस लास्ट कॉन्सोनेंट, फर्स्ट प्लस लास्ट कॉन्सोनेंट, फर्स्ट कॉन्सोनेंट लास्ट लेटर्स, फर्स्ट लेटर वॉवेल्स और लास्ट लेटर वॉवेल्स। तो आई होप ये आप कोडिंग डिकोडिंग का न्यू पैटर्न का क्वेश्चन आप देख लिए, तो आप हमें जो है यहाँ पर, यदि आपको इस टाइप का वीडियो, अगर इस टाइप का न्यू पैटर्न का कोडिंग डिकोडिंग और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे जो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, लेकिन यहाँ पर जो है क्योंकि अभी जितने भी एग्जामिनेशन हो रहा है कोशिश किया जा रहा है कि न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बैठाने के लिए, क्योंकि ये सब जो न्यू पैटर्न का कोडिंग डिकोडिंग है जो कि आप नॉर्मल जैसे पिछला जो कोडिंग डिकोडिंग से हम लोग यहाँ पर नहीं पकड़ पाते, इसलिए इसको न्यू पैटर्न में लिखा गया। अगर इस टाइप का और भी अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड न्यू पैटर्न का क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर आप बताएं कि हमें सर न्यू पैटर्न का और कुछ एग्जांपल क्वेश्चन आप हमें दीजिए, तो हम आपके लिए न्यू फिर से वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। और हमारा वीडियो पसंद लगे तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको इसका न्यू पैटर्न का क्वेश्चन जो है लोगों के पास पहुँच जाए और देखा जाए कि कोडिंग डिकोडिंग में भी अभी न्यू पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है। और यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें
और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।